आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए हर एक टीम अपना रिलीज्ड और रिटेन लिस्ट घोषणा कर दिया है, लेकिन रिलीज्ड लिस्ट में भी ऐसा बहुत ही बड़ा बड़ा खिलाड़ी है जिनको हर एक टीम चाहेगा कि मिनी ऑक्शन से वापस से खरीदे, ठीक है। और ज्यादातर नाम ना विदेशी का ही आता है, तो उस जगह पर ना हम आज इस वीडियो पर उस टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले होंगे कि कौन कौन सा विदेशी और भारतीय खिलाड़ी है जो कि मिनी ऑक्शन में आएगा या फिर जो कि अभी रिसेंट टाइम में रिलीज कर दिया गया है, हाई प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ हर एक टीम इनके ऊपर जा सकते। तो ऐसा कौन कौन सा खिलाड़ी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो टोटल मैं 15 खिलाड़ी का नाम लेने वाला हूं जो कि बहुत बड़ा नाम है लेकिन रिलीज कर दिया गया है, ऑक्शन में आएगा और बड़े बड़े टीमों में बिक भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा 15 खिलाड़ी कौन कौन सा खिलाड़ी है। और एक बात, अगर कहीं से भी नए आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, मतलब 80% के ऊपर भाई वीडियो देख कर चले जाते हैं, भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो यार लोग, भाई बहुत ही भला हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो और आईपीएल में ना बहुत बड़ा बड़ा कुछ होने वाला है, तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, लाइक कर दो वीडियो को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम अव्वल नंबर से, तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ मयंक अग्रवाल को, ठीक है। तो मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के भाई पिछला साल का कप्तान था, उनको छोड़ दिया गया है, नो डाउट स्विंग बैटर के साथ बेहतरीन तरीके से ओपनिंग भी करता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इशू के चलते पंजाब उनको छोड़ दिया है, लेकिन ये खिलाड़ी ना हर एक टीम का नीड रहेगा, लाइक कोलकाता, लाइक एस आर चेन्नई, सनराइजर हैदराबाद, ये जैसा टीमों का ना नीड रहेगा मयंक अग्रवाल जैसा खिलाड़ी, तो उस जगह पर नो डाउट हर एक टीम इसके ऊपर दाव लगाएगा, तो ये बिग बजट खिलाड़ी में शुमार रहेगा, ठीक है। उसके बाद जिस खिलाड़ी का नाम आता है वो भी पंजाब से, वो है ओडन स्मिथ। ओडन स्मिथ को भी छोड़ा गया है, ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं आया है, नाम बड़ा दर्शन छोटा ऐसा कुछ बात था, लेकिन क्वालिटी तो है, हम ना कर नहीं सकते, तो ये भी हाई प्रोफाइल के लिस्ट में आ रहा है और इनको भी ना बहुत सारा टीम टारगेट करेगा क्योंकि इनके पास बल्लेबाजी का क्वालिटी, उसके साथ गेंदबाजी का भी क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेसन होल्डर को, बहुत बड़ा नाम है, ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर में गिना जाता है, लेकिन करंट फॉर्म कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास जो तजुर्बा है ना वो बहुत खिलाड़ी के पास नहीं है, तो गेंदबाजी करेगा बेहतरीन तरीके से, बल्लेबाजी करेगा भी मैच विनिंग वाला, ठीक है। तो ये खिलाड़ी के ऊपर भी बहुत सारा टीम जा सकता है, तो ये भी मेरे लिस्ट में है अभी रिसेंट टाइम में। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा एविन लुइस को, एविन लुइस एक टॉप ऑर्डर बैटर है, ओपनर है, लेफ्ट हैंडेड है, एलएसजी के तरफ से पिछला साल खेला था लेकिन रिसेंट टाइम में उनको छोड़ा गया है, ये भी बिकने वाला है, मैं डेफिनेटली बता देना चाहूंगा, ये भी किसी भी टीम में जाकर बेहतरीन तरीके से खेल सकता है टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज की तरह और तबाही वाला रोल निभाएगा किसी भी टीम में अगर जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन बनेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अजिंक्य रहाणे को, जो कि केकेआर की तरफ से खेलता था, इंडियन सर्किट में बहुत बड़ा नाम है अजिंक्य रहाणे, लेकिन T20 में ना उनका उतना दबदबा नहीं था, लेकिन क्वालिटी आपको भाई 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी नहीं कर सकता है, लेकिन इस खिलाड़ी के पास जो कैपेबिलिटी है ना कि इंडियन पिचेस में ये खिलाड़ी बेहतर रोल निभा सकता है किसी भी टीम के लिए इंडियन पिचेस में, तो ये खिलाड़ी के ऊपर भी जाया जा सकता है, तो इसी के लिए टॉप लिस्ट में ये भी रहेगा मेरा। उसके बाद आप देख सकते हो शिवम मावी को मैं रखा हूं इस लिस्ट पे, शिवम मावी जो कि पिछला साल केकेआर की तरफ से खेला था, बहुत रेटों से बिका था पिछले साल, लेकिन इस साल उनको छोड़ दिया गया है, केकेआर मैनेजमेंट उनको छोड़ दिया है क्योंकि रिसेंट टाइम का घरवा लिख का तो फॉर्म उनका ठीक ठाक ही जाता है, लेकिन आईपीएल में आकर ना बहुत ही पिटाई खाया था, तो उसकी वजह से उनको छोड़ा गया है, लेकिन फिर भी तेज गेंदबाजी का डिमांड हर वक्त रहेगा आईपीएल में, तो उस जगह पर ये खिलाड़ी भी एक ऑप्शन बन सकता है किसी भी टीम के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मयंक मार्कांडे को, मयंक मार्कांडे जो कि मुंबई के लिए खेला था पिछले साल, ज्यादातर मैच नहीं मिला था, लेकिन किसी भी टीम का फर्स्ट चॉइस स्पिन गेंदबाज तहत ना ये खिलाड़ी खेल सकते हैं। देखो इस खिलाड़ी के पास ना कैपेबिलिटी है, मुंबई के लिए 2 साल लगातार ये खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उसके बाद उनका चोट आता है, उसके बाद से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी कमबैक करने का मौका आ गया है, भाई मयंक मार्कांडे खेलो बेहतरीन तरीके से और दिखाओ अपना जलवा। उसके बाद जिस खिलाड़ी का नाम आता है वो है जेसन रॉय, जेसन रॉय का करंट फॉर्म नहीं है, इसकी वजह से इंग्लैंड टीम से भी ड्रॉप हुआ है, लेकिन भाई वो T20 लीग में जब वो खेलता है ना तो भाई वो अलग लेवल का गेम खेलता है, तो उस जगह पर जेसन रॉय का भी नाम मैं इस लिस्ट में रख दिया हूँ। ये खिलाड़ी भी लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस की टीम में था लेकिन नहीं आया था, लेकिन इस साल उनको छोड़ दिया गया है, तो वो एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है किसी भी टीम के लिए। उसके बाद आता है CSK का ड्वेन ब्रावो, बहुत सालों से CSK को सर्व करते हुए आ रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम में उनको भी छोड़ दिया गया है CSK के द्वारा, लेकिन जो भी टीम ड्वेन ब्रावो को टारगेट करेगा ना वो टीम लॉन्ग टर्म के लिए ड्वेन ब्रावो के साथ नहीं टिक सकता है क्योंकि उनका एज हो गया है और ज्यादा साल वो नहीं खेलेगा, तो उस जगह पर ये पिक हो सकता है आपके 2 साल के लिए मैक्सिमम, 2-3 साल, ठीक है, उससे ज्यादा ना आप सोच नहीं सकते ड्वेन ब्रावो को लेकर, ठीक है।
तो ये एक ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जिस खिलाड़ी का नाम आता है वो है सीएसके का ही एक खिलाड़ी जो कि रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा रिसेंट टाइम का जो वो सीजन जा रहा है ना कि वो किसी भी पायदान पर खेल सकता है, ठीक है, लेकिन सीएसके उनको छोड़ दिया है। पिछला साल उनको नहीं खिला पा रहा था और रिसेंट टाइम में उनको छोड़ दिया गया है और उनके ऊपर भी ना बहुत सारा टीम टारगेट कर सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं इनको भी रखा हूँ, ये भी एक बड़ा नाम है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट का, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा नाम यही है, केन विलियमसन। पिछला साल कप्तान था एसआरएच का, लेकिन एसआरएच उनको रिटेन नहीं किया, उनको छोड़ दिया और आई थिंक कुछ टीम जाएगा, ठीक है, मतलब बेहतरीन तरीके से जाएगा, कम रेट में अगर मिल जाए तो उनके लिए फ़ायदा होगा, अगर ना मिले तो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन केन विलियमसन क्या फर्स्ट चॉइस प्लेइंग में खेल सकता है किसी भी टीम में जाकर, वो ना आप लोग ज़रूर से कमेंट कर बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केन विलियमसन को भाई जगह मिलेगा क्या फर्स्ट चॉइस प्लेइंग में खेलने के लिए किसी भी टीम के लिए, वो ज़रूर से कमेंट पर आप लोग बताओ। उसके बाद मैं इस लिस्ट में जिस खिलाड़ी को रखा हूँ वो है निकोलस पुरन, एसआरएच के खेमे से ही आ रहा है। पिछला साल बहुत रेटों से खरीदा गया था एसआरएच के द्वारा, लेकिन रिसेंट टाइम में उनको छोड़ दिया गया है। वो भी आईपीएल के ऑक्शन में आएगा और बिकता है या फिर नहीं बिकता है ये तो भाई देखने वाला चीज़ है, लेकिन आई थिंक बिक जाएगा, अगर बेस्ट प्राइस में मिल जाए तो कोई भी टीम खरीद सकता है उनको। उसके बाद नाम आता है श्रेयस गोपाल का, एसआरएच की तरफ से छोड़ा गया है। श्रेयस गोपाल लेग स्पिनर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पिन करता है, लेकिन उनको क्यों छोड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन श्रेयस गोपाल को रखना चाहिए था क्योंकि एसआरएच के पास भी ज़्यादा बेहतरीन लेग स्पिनर नहीं है रिसेंट टाइम में, तो वो तो मैं ऑक्शन से टारगेट करेगा ही लेग स्पिनर, लेकिन इनको भी मैं इस लिस्ट में रखा हूँ, ठीक है, टोटल 15 जनों के लिस्ट में ये खिलाड़ी भी है। उसके बाद लास्टली दो खिलाड़ी बच जाता है, एक है राजस्थान रॉयल्स का डेर्ली मिचेल जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, लोअर ऑर्डर में खेलता है। ये जैसा खिलाड़ी को ना हर एक टीम चाहेगा क्योंकि लोअर ऑर्डर में बेहतरीन ऑलराउंडर को हर एक टीम चाहता है, तो डेली मैच स्पिन गेंदबाजी भी कर देगा, उसके साथ आपके लिए बल्लेबाजी भी कर सकता है। उसके साथ और एक खिलाड़ी का भी नाम लेना चाहूँगा जो कि लास्ट नाम है इस लिस्ट का, जो कि है जिमी नीशम। जिमी नीशम न्यूजीलैंड का बल्लेबाज है, बहुत ही अलग किस्म का बल्लेबाज है, ऐसा खिलाड़ी न्यूजीलैंड में भाई फिनिशिंग ऑर्डर में खेलता है और उस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स छोड़ दिया है, लेकिन बहुत सारा टीम इनके ऊपर जाएगा बेस्ट प्राइस में या फिर कम रेट में अगर मिल जाए तो जिमी नीशम को बहुत सारा टीम टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है इस टोटल 15 लिस्ट में से कौन सा दो खिलाड़ी को आप अव्वल दर्जे में रखोगे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रकम लेकर बिक सकता है, वो ज़रूर से आप लोग कमेंट पर बताओ, ठीक है। तो ये टोटल वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा वो भी ज़रूर से कमेंट पर बताना कमेंट करके, और आपको अगर किसी भी टीम का बेस्ट चॉइस प्लेइंग 11 रिटर्न लिस्ट के ऊपर क्या बन सकता है उसके ऊपर वीडियो देखना हो ना तो इधर पर मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वो वाला प्लेलिस्ट जाकर देखो, उधर पर भी बहुत सारा वीडियो है तो जाओ जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।